दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ ही रहने से काम होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गेट इंस्पायर्ड की पहली एपिसोड में आपको खुश आमदीद। तो गेट इंस्पायर्ड एक्चुअली रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ है जो मैंने शुरू की, जिसमें नॉर्वेजियन पाकिस्तानीज आपको अपने एडवाइसेस, अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ भी अच्छी बात, कुछ भी जो उन्होंने लाइफ से सीखा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस पहले एपिसोड की जो हमारे मेहमान है वो है मेरी अम्मी। तो एक्चुअली मेरी अम्मी जो इस एपिसोड में सब माओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्पेशली वो माएँ जो यूरोप में आके बसी थी, नॉर्वे में स्पेशली। हम शायद उस चीज़ को उस तरह समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप सोचें कि ये 70s का ज़माना है, आप पाकिस्तान से और शायद किसी छोटे इलाके से उठ के एक बिल्कुल गैर मुल्क में आए, जहाँ ना आपकी फैमिली है, ना आपके दोस्त हैं और ना कोई आपका सोशल सर्कल है, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। तो जो हमारी माएँ 70s में इधर आईं, 80s में इधर आईं, उनके लिए उनके ना दोस्तें थी, ना फैमिली थी इधर, ना वो आपस में मिलती थी, क्योंकि उस वक्त इतना एक दूसरे को जानते नहीं थे, हर एक अपने घर में रह रहा था, बच्चे पाल रहा था। तो ये इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी उनके लिए भी, मतलब आप खुद सोचें कि अगर हमें आज इस तरह रहना पड़े तो हम कैसे रहेंगे। ये सेक्रीफाइसिस वो कर रही थी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उन माओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं मेरी अम्मी भी। उनके पास ना उस वक्त इंटरटेनमेंट के ज़राए थे, ना वो स्कूल जा रही थी, ना जॉब कर रही थी, ना फैमिली थी, ना दोस्त थे, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह के माहौल में ज़िंदगी गुजारना, बहुत कुछ बर्दाश्त करना, बहुत कुछ सहना, ये सिर्फ हमारी माओं का ही जिगरा है। तो पहली एपिसोड में अपनी अम्मी को गेस्ट बनाने का जो मेरा मकसद है वो इन माओं को खराज तहसीन पेश करना है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर सुनते हैं कि अम्मी क्या कहना चाहती हैं। सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोज़े रखने हैं, कि रमज़ान का मतलब है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग ने उन्हों का ख्याल रखो, उन्हों की मदद करो। रमज़ान ये नहीं है मतलब है कि अच्छे अच्छे खाने पका के खाओ, गरीबा मस्कीन की मदद करो जितनी भी हो सकती है। कोई नहीं कि उन्होंने असं उतना नहीं असं कर सकते जितना असं अपने वास्ते कर सकते, लेकिन जो साढ़े को उन्होंने को मदद हो रही हो सकती है वो सानू करनी चाहिए। सही है, कोशिश यही होंगी है हर इंसान की कि असी गरीबा की मदद करिए, आपू भी खुश रहे, दूसरे भैन भरावान रिश्तेदार सब न खुश रखने की कोशिश करें। रमज़ान का ये मतलब है। तो ये थी गेट इंस्पायर्ड की पहली एपिसोड। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड भी बहुत जल्द आएगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें, रमज़ान की बरकतें समेटें और इस महीने में पॉजिटिविटी को और ज़्यादा फैलाएं, इस तरह के फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, रमज़ान के बाद भी हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत